दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत होती है सुबह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमृता को, ये अपना काम कर चुकी है, यानी गैया को चारा पानी डालना रहता है तो डाल चुकी है। गोबर भी उठा लिए गमले में, तो वो दो गमले, और मम्मी बोल रही है कि जाओ तुम लोग फेंका, और अंदर जो है किचन में भोजन बन रहा है और मम्मी जो है गैया लगा रही है। प्रीति तो चली गई अपना स्कूल, क्योंकि उसे टूर पे आज सर लेकर जाएंगे। सुबह सुबह ही निकल गई है आज वह, और आज तो अमृता का छुट्टी है तो इसलिए अमृता आज घर पे ही रहेगी। और चलिए दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, सुबह सुबह कैसा लग रहा है बाहर का। हम लोग देख सकते हैं बाहर का मौसम जो है कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। और इधर देखिए अमृता अपना काम कर चुकी है, इन सबको चारा पानी डाल चुकी है, ये सब खाने में लगी हुई हैं, गोबर ओबर भी उठा ली। यहाँ पे देखिए तीन गमले गोबर हो गए हैं, तो हम अमृता जो है अभी थोड़ी देर में लेकर जाएंगे। और उधर मम्मी जो है गैया लगा रही है, सुबह सुबह का यही काम रहता है। और उधर बछड़ा जो है अपनी माँ के औदी में खा रहा है, उसकी माँ जो है इधर खड़ी हुई है। और ये सब छोटी छोटी गैया जो है अपना खाने में लगी हुई हैं। किचन में आज आज हमारे घर कुछ स्पेशल बनना है, यानी भूरे भुजाने जा रही है चन्ना की। और एक तरफ दाल बन रहा है, रोटियाँ हमारी बन चुकी है, क्योंकि हमें प्रीति को टूर पे जाना था तो इसलिए वह जल्दी जल्दी कर रही थी जाने के लिए, तो अपना ले होकर चली गई। और इधर दीदी जो है बना रही हैं। और कुछ समय पहले हमारा चाय बन गया था, तो दीदी कह रही थी सबको चाय दे दो वरना ठंडा हो जाएगा, तो दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। फिर मैं अमृता को बुलाती हूँ, तो अमृता यहाँ पे आती है और देखिए ये छान रही है सबके लिए। और आज तो जो है चार ही पांच लोग हैं, तो इसलिए चार पांच गिलास आप लोग को दिख ही रहा है। प्रीति रहती तो छः लोग रहते हैं, और भैया तो चाय पीते ही नहीं है तो इसलिए उनको नहीं दिया जाता। और उधर दीदी बना रही है, अमृता इधर चाय भी छान चुकी है। फिर अमृता बाहर लेकर चली जाती है सबको देने के लिए, तो देखिए यहाँ पे सारे लोग पी रहे हैं और पापा भी जो है सो रहे हैं। तो अमृता बोल रही है कि उठ जाइए वरना आपका चाय जो है ठंडा हो जाएगा। फिर पापा कुछ समय बाद उठते हैं और फिर पीने लग जाते हैं। और मैं आती हूँ इधर किचन में, तो यहाँ पर दीदी जो है ये भून रही थी और ये भुना गया था, तो इसमें हल्दी नमक और मसाले डाल रही हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और ये वाला चना किन किन लोग को अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे घर तो इसे सारे लोग बहुत ही मन से खाते हैं, घर पे बनता है तो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, लेकिन यही चीज़ जो है बाज़ार से खरीद कर आता है तो उतना स्वादिष्ट नहीं रहता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, घर के लोगों की हाथों में स्वाद रहता है, इसलिए जो भी कुछ बनाना चाहिए घर पर ही बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा बनता है। पहले घर का तो सारा काम हो गया, यानी भोजन वोजन बनाना था वह बन गया और सारे लोग खा लिए हैं अभी, लेकिन जो है झाड़ू उड़ू नहीं लगा और बर्तन भी नहीं धुला गया है, क्योंकि मम्मी बोल रही है कि बारिश आने वाली है। आप लोग देख ही सकते हैं मौसम जो है बहुत ही खराब है, तो इसलिए आज जो है हम लोग कंडे ढोएंगे, और वो भी कंडे हमारा जो है गीला हो गया बारिश की वजह से, हम लोग नहीं ढो पाए थे। तो चलिए आज दिखाते हैं, वही जो है काम करने के लिए जा रहे हैं। मम्मी दीदी और अमृता तीनों लोग पहले ही जा चुकी हैं, अभी मैं भी जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अमृता जो है शुरू हो गई है, यानी कंडे धोने के लिए लेकर आ रही है इतने बड़े गमले में, और मैं भी जा रही हूँ धोने के लिए। यहाँ पे देखिए मम्मी दीदी पहले से ही आई हुई हैं, और ये देखिए हमारा सारा जो है नुकसान हो गया है बारिश की वजह से, नहीं ढो पाए थे, क्या करें एक के बाद एक काम लगा रहता है, इसलिए ये काम भी रुक गया था। मम्मी कई दिनों से बोल रही थी लेकिन हमें लोग नहीं सुने, इसलिए जो है आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा मेहनत से हम लोग पूरा ये कंडे बनाए थे, सब गीला हो गया और पूरा ख़राब हो गया, बहुत ही मेहनत लगा था इसको बनाने में। लग जाते हैं हम इसे ढोने में, आप लोग देख सकते हैं किनारे वाला तो पूरा गीला हो गया है, तो उसे साइड में रख दिए, और ये बीच का जो सूखा है वही हम लोग ढो रहे हैं। तो दीदी यहाँ गमले में बोझ रही हैं और साथ में हम लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहे हैं, और हम और अमृता मिलकर जो है सारे कंडे ढोते हैं। और किनारे वाला तो कंडा पूरा बर्बाद ही हो गया, आप लोग देख ही सकते हैं, और बीच का जो बचा रहता है वही हम लोग ढोते हैं। और दोस्तों आप लोग से एक बार बताएं, इस कंडे को बनाने के लिए हम लोग बहुत ही मेहनत किए थे, लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कंडे बना
आए थे तो 4-5 दिन इतना ज़्यादा मेहनत किए थे, एक एक दिन में जो है 70-80 कंडे बना दे रहे थे। कमर में भी दर्द होने लगा था क्योंकि वही लास्ट महीना था जिसमें कंडे बनाया जा रहा था, वरना उसके बाद जो है बारिश वरिश आ जाती तो कोई कंडे वंडे बनाता ही नहीं, आप लोग जानते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे जितना ज़्यादा कंडे बन जाएंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कंडे ही हमारे गैस चूल्हे के काम आते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे घर जो है चूल्हे पे खाना बनता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंडे बना रहे थे। कंडे तो सारे बन गए थे और उसके बाद हम लोग कंडे नहीं बना रहे थे क्योंकि मौसम चेंज होने लगा, यानी बारिश जैसा मौसम हो रहा था और कंडे हमारे पूरे सूखे नहीं थे। फिर भी मम्मी हम लोग से बोल रही थी कि कंडे तुम लोग रख लो वरना जो है बारिश आएगी तो गीला हो जाएगा, लेकिन हम लोग मम्मी की बात नहीं सुन रहे थे, कह रहे थे कि अभी थोड़ा बहुत और देर रहने दीजिए, जब पूरा सूख जाएगा हवा हवा खाएगा तो हम लोग रख देंगे। लेकिन हमने मम्मी की बात नहीं सुनी और देखिए दोस्तों उसका यही नतीजा हुआ। उसी के बाद जो इतने ज़ोरों से बारिश होने लगी और वह बारिश जो है 10 से 15 दिन लगातार हुई, जिसकी वजह से ये सारे कंडे हमारे बर्बाद हो गए। मम्मी तो पॉलिथीन से ढकी भी थी लेकिन पॉलिथीन जो है थोड़ा फटा हुआ था तो इसलिए पूरा कंडा जो है गीला हो गया। अगर हम लोग उसी समय रख दिए होते तो आज ये कंडे की हाल नहीं होती, लेकिन क्या करें हमारी भी गैर जिम्मेदारी जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मन बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहा है कंडे को देख कर, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हैं, जो बचा है वही रख देंगे सही रहेगा। लोग कहते हैं ना जब चिड़िया चुग गई खेत में तो पछताने का क्या फ़ायदा। सकते हैं आधा गोरा जो है हम लोग का ढोआ गया है, यानी कंडा इतना सारा तो किनारे किनारे का बर्बाद हो गया, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये बीच में का जो बचा हुआ है वही हम लोग कंडे ढो रहे हैं। इधर देखिए पूरा हम लोग का नुकसान हो गया है बारिश की वजह से, और वही बीच में का बचा हुआ है इसे भी लेकर जा रहे हैं, वरना आज नहीं ढोएंगे तो ये भी पूरा भीज कर ख़राब ही हो जाएगा क्योंकि मौसम एकदम बारिश बारिश जैसा बना, आप लोग देख ही सकते हैं जब भी बारिश हो सकता है। और इधर देखिए अमृता भी आ गई है और दीदी उधर कंडे को मतलब भर रही हैं गमले में, और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये बता रही हैं कि मतलब जो ख़राब है उसे साइड में कर दो और जो सही है उसे ढो दो तुम लोग। लोग देख सकते हैं गर्मी से जो है एकदम हाल बेहाल हो गया, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है क्या बताऊँ, ऊपर से पसीना भी और ये घमौरिया भी बहुत ज़्यादा ही हो गई गर्मी की वजह से। और हम लोग ढो रहे हैं कंडे, आप लोग देख ही सकते हैं हालत ख़राब हो गई, अभी से आधे तो ख़त्म हो गए और आधे बचे हुए हैं, कुछ तो है अभी हम लोग अभी जो है थोड़ी देर में ढो देंगे फिर मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी। और अमृता देखिए रेस्ट कर रही है उधर, और दीदी उधर जो अभी गमले में भर रही हैं तो इकट्ठा लेकर जाएंगे हम दोनों। दोस्तों देखिए थोड़ी सी मेहनत के बाद जो है हमारा सारा कंडा ढोआ जाता है, थोड़े बहुत और बचते हैं तो उसे भी हम और अमृता मिलकर ढो लेते हैं। इधर मम्मी और दीदी जो है देखने में लगी हुई हैं कि कौन सा सूखा है और कौन सा नहीं सूखा है, तो उसे साइड में लोग रख रही हैं और जो गीला है उसे एक साइड मम्मी रख रही हैं, आप लोग देख सकते हैं उधर, और इधर मैं सूखा वाला रख रही हूँ, और जो आधे सूखे और आधे गीले हैं तो उसे भी दीदी कह रही थी तोड़ कर रख दो वरना बारिश होगी तो ये भी पूरा गीला हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा है उसे रख लेते हैं सही रहेगा, हमारे काम ही आएंगे। और ये कंडे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही कीमती, अगर ये कंडे आज नहीं रहते तो आज हमारे घर भोजन भी नहीं बन पाता है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं घर पर लकड़ियाँ नहीं और एक कंडे ही हमारे लिए सारा है, यही जो है गैस चूल्हे का काम करते हैं। और जो हमारे पहले के कंडे बचे हुए थे वो भी ख़त्म हो गए, थोड़े बहुत और बचे हुए 1-1.5 महीने चल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इतना सारा कंडा जो बच गया है सारा भीगा हुआ है, बिल्कुल ले जाने लायक नहीं है, और उधर थोड़ा सा सूखा है, पूरा नहीं सूखा है, थोड़ा आधा आधा सूखा है, आधा गीला ही है, तो उसको मम्मी अलग रखवा रही है, कह रही है कि हवा हवा लगेगा तो घर में सूख जाएगा तो उसको बाद में यूज कर लेंगे, तो उसको अलग लेके जाएंगे। और ये इतना सारा तो पूरा सड़ गया जैसे बारिश की वजह से खाद बन गया है, अब इसको नहीं ले जा पाएंगे, ये 4-5 दिन की मेहनत हम लोग की बर्बाद हो गई, जो मिलके हम लोग लास्ट में कंडे बनाए थे ज़्यादा ज़्यादा वही सब भीग गया है।
कितना अच्छा हुआ है, एकदम बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना लग रही है, होगी बारिश, काले काले बादल आ रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है मौसम, बहुत ठंडा ठंडा। हरियाली देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे ये इमली का पेड़ है, ये भी एकदम हरा भरा हो गया है। और यहाँ पे मम्मी छांट छांट के उसमें से अलग कर रहे हैं, जो भी थोड़ा टुकड़ा भी सूखा है उसको तोड़ तोड़ के अलग कर दे रही हैं लेके जाने के लिए। कर रही हैं कि जानवरों को धुआं करने के काम आएगा, क्योंकि जानवरों को भी मच्छर काटते हैं गाय को, तो वहाँ पे धुआं सुलगाने के लिए ये कंडी यूज कर लेंगे हम लोग, चूल्हे में नहीं लगा पाएंगे। तो मेहनत की है तो कहीं भी काम आना चाहिए, इसलिए मम्मी छांट छांट के निकाल रही हैं। यहाँ पे दिव्या रख के आ गई है। अब जो ये एकदम सूखा हुआ थोड़ा सा था, बचाई थी मम्मी, तो उसको अलग लग जा रही है। और इस वाले कंडे में गीला है तो इसको अलग रख रही है, छत पे रखे हैं। देखिए यहाँ पे मम्मी उन सबको साइड में लगा रहे हैं कि फिर हो सकता है बारिश से भीगने से बच जाए तो काम आ जाएगा। और इतना सारा भी ये नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। और मेरे सर में बहुत ज़्यादा तेल लगा दिए मम्मी जब बीमार थी, बहुत ज़्यादा लगा दिए, देख सकते हैं आप लोग। अब इसको धुलूँगी, कल धुलूँगी, संडे है। और पहले से तबीयत अब ठीक है। इसी वाली पॉलिथीन से मम्मी ढकी थी कंडे को, और ये बहुत पुरानी थी, फटी हुई थी, इसलिए सारा पानी अंदर चला गया और पूरा कंडा भीग गया। देखिए कितना ज़्यादा फटी हुई है। बड़ी वाली पॉलिथीन तो छत पे लग गई है जहाँ सीढ़ी पे पानी आता था, इसलिए इस वाले से ढकी थी, ये भी फटी थी, पूरा पूरा भीग गया। तो दोस्तों हमारे कंडे रखा गए थे और तभी जो है बारिश होने लगी। तो यहाँ पे देखिए दीदी जो है कैसे जल्दी जल्दी सारे सामान को हटा रही हैं, और जब तक ये सामान को हटाती हैं तभी तक जो है बारिश होती है, और उसके बाद जो है बारिश रुक जाती है। और दोस्तों आप लोग से एक बार बताएं, बारिश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने धान की रुपाई की थी आप लोग जानते हैं, और मम्मी उसमें खाद भी डाल दी है, तो उसमें जो है पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मोटर का पानी जो है उतना नहीं मतलब जा पाता है खेतों में, इसलिए फसल सूखने का डर है। तो हम लोग सोच रहे हैं बारिश हो, लेकिन बारिश जो हो ही नहीं रहा है। क्या दोस्तों आप लोग के और हो रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। जिस समय सोच रहे थे बारिश ना हो, लेकिन उस समय इतना तेज़ी से बारिश हो रहा था, क्या बताऊँ। आप लोग जानते ही हैं किचन में हमारे बाढ़ आ जाता था, लेकिन अब सोच रहे हैं बारिश हो, तो अब बारिश ही नहीं हो रहा है और हमारी फसल जो है सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि बारिश हो, क्योंकि एक तरफ बारिश की वजह से नुकसान भी होता है और दूसरी तरफ फ़ायदा होता है, लेकिन हमारी फसल के लिए जो है बारिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर में भले ही बाढ़ आ जाएगा तो हम लोग जो है मैनेज करके खाना बना सकते हैं, लेकिन हमारी फसल जो है नुकसान हो जाएगी तो हमारा सारा मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा। आप लोग जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा मेहनत करके हमने जो है धान की रुपाई की है। और दोस्तों देखिए थोड़ी देर में जो है बारिश भी बंद हो जाती है, और यहाँ पे अमृता लग जाती है अपने डेली के कामों में, यानी झाड़ू उड़ू देने में। आप लोग देख सकते हैं ये अंदर झाड़ू उड़ू लगा चुकी है, और फिर आ जाती है बरांडे में, और फिर चली जाती है अंदर वाले रूम में जिसमें हम लोग सोते हैं, आप लोग जानते हैं। तो देखिए उस रूम में भी झाड़ू उड़ू लगा चुकी है, और फिर आ जाती है बरांडे की साइड, तो यहीं पर सारा कूड़ा इकट्ठा करती है और फिर उठा लेती है। और बाहर की साइड देखिए बारिश जो है बंद हो गया, और ना इसके पहले जो है इतनी बारिश हो रही थी, क्या बताऊँ। हम लोग सोच रहे हैं बारिश हो, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है, भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। जब सोच रहे थे बारिश ना हो, उस समय जो है बारिश हो रहा था, अब देखिए बारिश भी जो है बंद हो गया है। तो यहाँ पे अमृता अपना काम कर चुकी है, और फिर हम लोग जाते हैं दूसरे कामों में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बाजरा बाल रहे हैं। सुबह के टाइम मम्मी बाजरा लेकर आई थी, उसी समय बोल रही थी कि बाल दो, बारिश हो जाएगी तो भीग जाएगा, लेकिन हम लोग मम्मी की बात नहीं सुने। बारिश भी बीच में हुआ, आप लोगों ने देखा, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, वरना मम्मी के मतलब डैड भी सुनने पड़ती। और इस समय जो है खाली हुए हैं, तो हम और दीदी मिलकर ये बाजरा भी बाल देते हैं, और मम्मी जो है खेत गई थी और वहाँ से लाई हैं ढेर सारी सब्जियाँ। आप लोग भी देख सकते हैं इस समय हमारे खेतों में तो बस यही दो सब्जियाँ ही निकल रही हैं, यानी तरुई निकल रही हैं और एक तरफ भिंडी है, आप लोग देख सकते हैं।
पहले करेला भी निकल रहा था, लेकिन अब करेले में जो है कीड़े पड़ गए हैं बारिश की वजह से, और उसका पौधा भी जो है सूखने लगा, तो इसलिए वह नहीं निकल रहा है। और यही दो सब्जियां निकल रही तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इस समय सब्जियां आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही महंगी हुई हैं, तो बाज़ार में तो उतना मतलब पैसे नहीं है कि हम लोग खरीद सकते हैं। घर पे ही जो सब्ज़ियाँ निकलती उतने में ही मैनेज करते हैं। तो देखिए इतनी सारी सब्ज़ियाँ और एकदम ताज़ी ताज़ी हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। उसके बाद दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और हमारा सपोर्ट कीजिए।